सीट थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार, बट इसमें ना थोड़ा सा ये अब एक साल बाइक की जो लुक था ना उसमें थोड़ा सा ये ऑसम सीट फॉर हंटर। इन लोगों का है ना कुछ यकीन ईमान नहीं होता, ये काफ़ी मॉडिफिकेशन करानी है गाड़ी में। स्टार्टिंग हम सीट वेलकम बैक माई YouTube फैमिली। आप मेरे सारे ऑफ रोड और ऑन रोड वाले व्लॉग तो देखते ही रहते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे सीट मॉडिफिकेशन और वो भी इतने कम दामों पर। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चैलेंजेस जो एक टूरर को आते हैं अपनी सिटी राइड के अंदर, तो शायद आपके साथ भी कुछ इस तरीके से चीजें होती रहती होंगी जो आप शायद नोटिस नहीं करते, लेकिन इस बार फॉर्चुनेटली मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पीछे का टायर काफी स्किड कर रहा है पानी के अंदर क्योंकि घिस चुका है ना, इसलिए इन लोगों का है ना कुछ यकीन ईमान नहीं होता, ये बैटरी रिक्शा वाले कहीं से भी कट मार देते, कहीं से भी ऑफ रोड में। क्या यार क्या ही बोलूं यार मैं इन लोगों को, लड़ने का भी मन नहीं कर रहा आज, इतना अच्छा दिन है। बाकी ये लोग तो अपने आप में जेम्स बॉन्ड है, दूसरों को जाने नहीं देते, बिल्कुल रास्ता गेर के चलाते हैं बिल्कुल 1-to-1 होकर, और ऐसा लगता है ये रोड इनकी अम्मा ने बनाई है। बाकी इन कुछ लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसे कि ये भाई साहब लगता है कांग्रेस को वोट देते, बार बार हाथ दिखा रहे हैं, और यहाँ से तो बाइक निकलने की जगह नहीं है, भाई साहब अपना रिक्शा घुसाड़े जा रहे हैं। एनीवे मैं बढ़ चुका अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि आज मेरा दिन था, हमारा एक साल हो गया है चैनल को, तो आज हमको करना था छोटा मोटा सेलिब्रेशन, बाइक को भी गिफ्ट देना था चैनल को भी गिफ्ट देना था, उस हिसाब से मैं अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ चला और मैंने कर दिया था पहले से ही प्रिया का फोन ताकि वो ऑन टाइम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। मैंने सोचा यार चैनल का बर्थडे तो केक तो होना चाहिए ना, आज हम अपने चैनल का एनिवर्सरी मनाने वाले हैं, मैंने प्रिया को फोन कर दिया है। आ गई, कौन सा केक लें, फ्रूट केक लेना चाहिए हमें, पाइनएप्पल वाला है। ट्रैप विद आमिर लिखा होना चाहिए ना उस पर, चॉकलेट वाला बिगा लेगा ना, नहीं अच्छा लगेगा, बट तुम्हें तो फ्रूट केक पसंद है ना। कौन सा डिसाइड करा है, साल हो गया हमारे को आज चैनल को। हाँ माल फिर से खराब हो गया हेलमेट से, अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपनी छोटी मोटी गेट टुगेदर, सो सब सेटअप हो चुका है। यहाँ पे अपना बाइक के लिए मतलब जो हमने चैनल के लिए गिफ्ट सोचा था जिसकी हमें ज़रूरत है वो लिया है हमने एक, और ये मेरा पुराने वाला हेलमेट, और एक छोटा मोटा केक, खाना भी ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा गॉड का अल्हम्दुलिल्लाह फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, एंड दूसरी चीज हम दोनों की मेहनत इतनी ज्यादा थी कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ, आपकी वजह से मेरे को इतना प्यार मिला। और एक साल में YouTube क्लेम करता है आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, बट हमारे थे 3000 प्लस, सो थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपकी वजह से ही आज मैं एक सेलिब्रेशन कर पा रहा हूँ, और यही चीज मुझे कल एक लाइव में भी किसी ने बोला था कि आप सेलिब्रेशन करो, करना भी चाहिए और ये होना भी चाहिए। खुशी नहीं हो रही तुझे? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। हैप्पी बर्थडे चैनल का, इधर हैप्पी बर्थडे आ गया, इधर ट्रैक का मेरा आ गया, ये अभी भी जल रही है। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे चैनल, हैप्पी बर्थडे ट्रैक का मेरा। मस्त रहा।
ये पता, ये टेस्ट टेस्ट नहीं है, ये हमारी एक साल की मेहनत है, क्योंकि टेस्ट में हमको रिटर्न में मिल रही है। अपने आप को गिफ्ट दे दिया, मतलब अपनी बाइक के लिए अपने चैनल को गिफ्ट दे दिया, तेरे को मुझे दिखाया नहीं। ये एक गिफ्ट ये आ जाता है इसमें स्टड का। क्या मेरे हाथ में दर्द होता है ना वाले ग्लव्स में, खराब है वो वाले, मतलब वो काफी ज्यादा बजटेड थे, और सिटी वाले तुम पहन लोगी, ये वाले मैं पहन लूंगा। अच्छा। दिखाओ चैनल पे, ठीक है ना। दूसरा गिफ्ट जो है वो ये है, हम लोगों को पीछे बात करने में दिक्कत होती है ना, तो हम मैंने ये ले लिया, मुझे थोड़ा समझ में आया ये मार्केट में, तो ये काम आएगा, चिल्लाना नहीं पड़ेगा, सुन लो। हाँ। और तीसरा गिफ्ट जो है वो सरप्राइज है चैनल वालों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, तेरे को तो पता ही है वो। हाँ। ठीक है ना, तो वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सो फिर आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो है हमारा सीट मॉडिफिकेशन। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे स्क्रैम्बलर में बदल देंगे। ये मेरी सीट थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई थी, लगभग एक साल हो गया उस सीट कवर को, तो अब मैं दोबारा से इसी शॉप पर आया हूँ, लकी सीट पॉइंट। इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया है, ये सीट कवर है, ये आपको दिख रहा है ना, लगने के बाद ये कैसा लगेगा आपको दिखेगा। तो ये तो मेरी पसंद से ही बनाया ना सीट कवर। जी जी, आपकी पसंद से ही है। ये स्टॉक सीट है, जो कि पीछे किसी बच्चे ने ब्लेड मार दिया था, तो ये मैंने इस तरीके से मॉडिफिकेशन तैयार करवाई है, दिखाते हैं आपको बनने के बाद कैसा लगेगा। जिद्दोजहद हो रही है पूरी से लगाने की, क्योंकि इसमें फोम है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी लगाने में। हाँ, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है इसकी, बट गेटअप अच्छा आएगा इसका, है ना। हाँ, गेटअप बहुत बढ़िया आएगा। असल में पहले वाला जो सीट कवर था ना, ये भी काफ़ी अच्छा चला, अभी तक फटा नहीं है ये, इसकी जो फोम है वो निकल गई, चलो छोड़ो, बट इसमें ना थोड़ा सा ये, अब एक साल बाद ये चीज़ देखने को मिली थी, मतलब बाइक की जो लुक था ना उसमें थोड़ा सा ये धब्बा लगा रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया, कस्टमाइज़ करवा के। लकी सीट पॉइंट ही तो है आपकी दुकान का नाम? लकी सीट पॉइंट। हाँ, और बाकी है ये न्यू सीलमपुर में, आप यहाँ से चौकी से थोड़ा सा पहले आओगे ना, तो आपको इजीली दिख जाएगी, मेन रोड पे ही दुकान है ये। काफ़ी मॉडिफिकेशन करानी है गाड़ी में, स्टार्टिंग हम सीट कवर से कर रहे हैं। सीट कवर कम सीट ज़्यादा लग रही है ना, सीट ज़्यादा लग रही है, सीट कवर कम लग रहा है ये। जी जी जी। तो लगने के बाद दिखाता हूँ कैसा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है इसमें, बट लगने के बाद अच्छा लग रहा है। एक और ब्लेड की ब्लेड डालेंगे, वो स्टेपलर डालेंगे, और सीट तो बन गई अपनी हंटर की, काफी अच्छी क्वेश्चनिंग आई है इसकी, जबरदस्त, लगा के देखते हैं कैसी है। तो मुद्दा यह आता है, ये लगने के बाद इसकी कुशनिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि ये हंटर की सीट स्टॉक है, ऐसा लगता है ये पीछे से सीट ही मैंने खरीदी है। स्क्रैम्बलर लुक में ये मैंने रेडी करवाई थी, लगभग 400 रुपीज़ इसमें लगे थे, और ये दुकान पे बहुत ज़्यादा कम दामों पे काम हो जाता है, ये न्यू सीलमपुर में है दुकान। बाकी जब सीट लग गई थी ना बाइक में, तो आते जाते लोग सब गौर से देख रहे थे, बाकी ये एंटी कट और फायर प्रूफ है, बाकी सच बताओ तो कट अगर कोई इंटेंशनली मारे तो वो तो लग ही जाता है, और फायर का मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी ये वाटरप्रूफ का दावा करते हैं अंकल, लेकिन इसको चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा ना हो गया था क्यूरियस, सो उसी को चेक करने के लिए मैं इसको सीधा ले गया वॉशिंग पर, ताकि मुझे पता चले कितना हद तक ये वाटर रिपेलेंट है या वाटरप्रूफ है। नई सीट के साथ, और भाई साहब कैसे हो? सीट लगवा दी नहीं मैंने, अच्छी लगी है ना, इस पे सूट कर रही है सीट, है ना। सो मैं आ गया हूँ एक कॉमन वॉश वाले के पास, जो कि एक शैम्पू से वॉश करते हैं, बेसिकली मैट के लिए शैम्पू नहीं होता, इसके लिए अलग से प्रोडक्ट आते हैं, बट क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल दुकान वाले से कहाँ बहस करोगे। चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं, सीट की हम बात कर रहे थे, सीट वाकई में 100% वाटर रिपेलेंट होती है ये वाले फैब्रिकेशंस की।
आप ध्यान से देखो, इस पे पानी ऊपर ऊपर है, अगर आप इसको कपड़े से साफ करोगे तो ये साफ हो जाएगा, मतलब आपकी पैंट नहीं छपेगी। ये आपका फायदा हो जाएगा, बारिश हो या कुछ भी हो, आप सीधे से कपड़े साफ करो और बैठ जाओ और आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। बाकी अगर बात करें इस सीट की, पूरी कम्पैक्ट स्क्रैम्बलर लग रही है अगर मैं इसका रैक हटा दूँ तो। और मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग है जो आने वाला है और मॉडिफिकेशन पे, अब ये वन बाय वन आते रहेंगे तो वो आएगा आपका, ये रैक नहीं होगा और भी मॉडिफिकेशन होती रहेंगी वन बाय वन। और इसके भी पहले मैंने एक राइड कर ली है, आने वाले एपिसोड में आपको नई राइड मिलेगी हंटर से, जो कि ऑफ रोड रही थी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रही थी, उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना भाई के पास डेटा नहीं है या वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टाइम की कमी है, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एडवेंचरस व्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अनदर जर्नी में अनदर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय फॉर नाउ।